हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बेटा? तो हम लोग बच्चों फंक्शनल एनालिसिस के अगले वीडियो पर बेटा आ गए हैं, और इस वीडियो में हम लोग बना के स्पेस या बनाए के स्पेस या बना च स्पेस जो आप बोलना चाहें उसे बोलिए उसके बारे में बेटा पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था ये उसी का लिखा हुआ यहाँ पर है, मैं मिटाना भूल गया था तो अब मिटाऊंगा, खैर कोई बात नहीं। और बच्चों बहुत सारे वीडियोस फंक्शनल के आ चुके हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फंक्शनल एनालिसिस की, उस प्लेलिस्ट में आप इस सारे वीडियोस देख सकते हैं। और भी मेरे चैनल पे बहुत सी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, आपके काम के मैथ्स के बहुत से टॉपिक मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे, BSc के, MSc के, 11th 12th IIT लेवल के बहुत सारे वीडियोज़ बेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको सब अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा प्लेलिस्ट सर्च करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर दूर होंगी। तो बच्चों हम लोग बनाए कि स्पेस का अगला वीडियो देखो बेटा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसको मिटा देते हैं और जल्दी से बनाए कि स्पेस को देखो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है इसको आप पहले जाकर के प्लेलिस्ट पे पुराने वीडियोस हैं उनसे पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर पुरानी बेटा यूज होने वाली है। देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग आज बेटा पढ़ेंगे बनैक स्पेस। देखो बच्चों बनैक स्पेस या बनाक स्पेस या बनैच स्पेस जो पढ़ना चाहें आप पढ़िए, है ना, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है किसको यहां पर क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बनैक स्पेस यहां पर इसको मैं बोलूंगा, आपकी जो मर्जी हो बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये बनैक स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जरा बच्चों इसको हम पहले यहां पर समझें। देखो बच्चों क्या होता है बनैक स्पेस की डेफिनेशन क्या है, ए नॉन्ड लीनियर स्पेस, ए नॉन्ड लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट एज अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड ए बनैक स्पेस। देखो समझो बच्चों यहां पर जरा ध्यान से, इसमें कई बातें हमने यहां पर यूज की हैं, हो सकता है वो आपको समझ में ना आई हो अभी तक, तो मैं आपको सारी सिलसिले बार देखो यहां पर चीजों को समझाता हूं। देखो सबसे पहले एक नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, है ना, मान लीजिए एन है। नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, मैंने बताया था एक वेक्टर स्पेस होता है और उसके साथ में नॉर्म होता है। अगर वेक्टर स्पेस है साथ में नॉर्म है तो ऐसे स्पेस को हम नॉर्म लीनियर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा वो जो नॉर्म लीनियर स्पेस है उसे कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहोगे यार ये कंप्लीट क्या समस्या है, कंप्लीट कहाँ से आ गया? देखो मैं बताता हूँ आपको, कंप्लीटनेस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि रियल एनालिसिस में भी यूज होती है और भी कई जगह पर यूज होती है। मैंने रियल एनालिसिस के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहां पर मैंने सीक्वेंस के बारे में या रियल नंबर्स के बारे में हमने कंप्लीटनेस वर्ड देखे थे, तो वही वर्ड यहां पर भी है कंप्लीट। देखो एज ए मीट्रिक स्पेस इज कॉल्ड बनैक स्पेस, मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है ये हम जानते हैं, है ना, मैंने बताया है नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, आप पढ़िए पुराने वीडियोज अपलोडेड है बेटा, उसको बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, पढ़िए देखिए समझिए। तो नॉर्म लीनियर स्पेस हम जानते हैं, अगर वो लीनियर स्पेस कंप्लीट हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई वो बनैक स्पेस है। मतलब देखो बनैक स्पेस में क्या क्या होना चाहिए, देखो मतलब ये हुआ कि एक स्पेस जो है ए स्पेस इज कॉल्ड बनैक स्पेस, ए स्पेस इज कॉल्ड बनैक स्पेस इफ, नंबर फर्स्ट स्पेस मान लीजिए मैंने एन है तो n को क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, n इज वेक्टर स्पेस या इसी को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं, वेक्टर स्पेस या इसी को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसमें नॉर्म डिफाइंड होना चाहिए, है ना, ये जो स्पेस है ये नॉर्म्ड होना चाहिए, है ना, स्पेस इज नॉर्म, नॉर्म का मतलब इसमें हम ये सिंबल डिफाइन कर रहे हो और इस सिंबल की प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हो। नॉर्म की मैंने बताया था कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को पूरा करना चाहिए, मतलब ये सिंबल इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, है ना,
क्योंकि ये जो सिंबल है इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट रखते हैं मतलब इस वेक्टर की लेंथ है ना, क्योंकि x क्या है, x एक्चुअली n का एलिमेंट होता है, तो n के एलिमेंट को यहाँ वेक्टर कहा जाता है क्योंकि वो एक वेक्टर स्पेस होता है। तो मतलब इस वेक्टर की लेंथ हम कैसे निकाल रहे हैं ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, और वो जो नॉर्म है वो नॉर्म की कंडीशन को पूरा करना चाहिए। तीसरी बात देखो, ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना, ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या स्पेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है जरा हम समझे। देखो कंप्लीट का मतलब बच्चों ये होता है कि हम कोई भी कॉची सीक्वेंस लें और वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जानी चाहिए। मतलब ये हुआ कि कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कॉची सीक्वेंस, ठीक है, इज कन्वर्जेंट इन एन। मतलब हम जो कोई भी कॉची सीक्वेंस ले, कॉची सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने डीएल में पढ़ाया था, मैं फिर आपको समझाऊंगा अभी मैं कॉची सीक्वेंस क्या होता है ये फिर आपको समझाऊंगा, हालांकि रियल एनालिसिस का ये पार्ट है। रियल एनालिसिस अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ लीजिए तो आपको ये कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आइडिया अभी यहाँ पर दूंगा इन सभी चीज़ों का, क्योंकि इसके बिना यहाँ बेटा काम चलना नहीं है, ठीक है। कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। तो कह रहे हैं कि जो कॉची सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट इन एन होना चाहिए, मतलब ये एन में ही कन्वर्ज होनी चाहिए। मतलब इसकी जो लिमिट है मैं बताऊंगा अभी कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि कंप्लीट का मतलब होता है कि कॉची सीक्वेंस जो है ये उसी सेट में कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ये बात ध्यान देना कि जो हमारी कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, वो कॉची सीक्वेंस उसी सेट में, सेट क्या है यहाँ पर, एन जो है वेक्टर स्पेस का, मतलब बनाए कि स्पेस में तीन बातें हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे कह दें कि नॉन लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट है तो उसको बनाए कि स्पेस कहेंगे, ठीक है, या ऐसा कहें कि भाई जो स्पेस है वो वेक्टर होना चाहिए, उसमें नॉर्म होना चाहिए और वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो देखो बच्चों इसमें एक बात और ध्यान दो, कह रहे कंप्लीट एज ए मीट्रिक स्पेस। देखो ध्यान दो, जैसे जब हम कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो कंप्लीटनेस में क्या होता है, हमें लेंथ चाहिए होती, अभी हम कंप्लीट देखेंगे क्या होता है। तो जब उसमें हम लेंथ निकालते हैं तो उस लेंथ को निकालने के लिए हमें ये शो करना होता है कि हमारा नॉर्म स्पेस जो है वो एक्चुअली मीट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मीट्रिक का मतलब डिस्टेंस निकालना। और हमने इससे ठीक पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें देखा था कि नॉर्म स्पेस हमेशा एक मीट्रिक स्पेस को फॉलो करता है। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा ना विच इज कंप्लीट एज ए मीट्रिक स्पेस, इसका मतलब सिर्फ यही है कि नॉर्म जो है वो मीट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग लेंथ को निकालता है। और हम लोगों ने इससे ठीक पहले वीडियो देखा था, उसमें पढ़ा था कि जो नॉर्म है वो बिल्कुल मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मतलब जब भी वो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालता है तो वो डिस्टेंस फंक्शन यानी कि मीट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमेशा फॉलो होती हैं, ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। तो इस वर्ड का यहाँ पर कोई मीनिंग अब खास नहीं है, बस ये है कि हाँ वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटनेस को प्रूव करने के लिए हमें एक डिस्टेंस चाहिए होती है, और वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि भाई नॉर्म स्पेस डिस्टेंस निकाल सकता है। और अगर नॉर्म स्पेस मीट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो डिस्टेंस निकाल सकता है, और ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया था कि नॉर्म स्पेस जो है वो डिस्टेंस को निकाल सकता है। देखो अब जरा हम कंप्लीटनेस के बारे में कुछ बातों को समझें। कह रहे हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो पहले तो ये समझें यार ये सीक्वेंस क्या होता है, फिर ये समझें कॉची सीक्वेंस क्या होता है, फिर ये समझें कन्वर्जेंट क्या होता है। इन बातों को थोड़ा यहाँ पर बच्चों हमें समझना है, हालांकि रियल एनालिसिस में ये इतना हमने पढ़े हैं डिटेल्स से, फिर भी देखो इनको यहाँ पर हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखो एक एक करके सीडियो को समझते हैं, लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से। पहले जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। देखो बच्चों हम लोग ये करके सबको समझते हैं, पहले ये समझे आके सीक्वेंस क्या होता है। देखो हालांकि सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है रियल में, फिर भी देखो शॉर्ट में थोड़ा हम समझ लें। देखो सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, सीक्वेंस क्या होता है, देखो रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, जो सीक्वेंस हमारा होता है वो एक टाइप का फंक्शन होता है,
और उस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर होता है। यहां ध्यान रखना जो n है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और r क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो जब हम फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं कभी भी, तो इस टर्म को कहा जाता है डोमेन, मतलब जो सीक्वेंस है वो जो फंक्शन बना रहा है उस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर लिया जाता है, और इस टर्म को कहा जाता है कोडोमेन, है ना। तो इसको हम यहां पर डोमेन भी कहते हैं। डोमेन का मतलब फंक्शन में जहां से आप एक्स की वैल्यू लेते हैं, और ये हो जाता है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, रेंज नहीं ध्यान रखना, इसको कोडोमेन कहते हैं। तो जो सीक्वेंस है बेटा वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और जिसका कोडोमेन रियल नंबर होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये फंक्शन ले लिया एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, मान लो हमने ये फंक्शन लिया। अब देखो जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 बाई टू 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि देखो हमें जो n की वैल्यू लेनी है वो डोमेन से लेनी है। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है। तो हम n की वैल्यू केवल 1 2 3 4 5 ही रख सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, है ना। n को 2 लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बाई टू। n को 3 लेंगे तो क्या होगा, 4 बाई टू यानी कि 2। n को 4 लेंगे तो क्या होगा, 5 बाई टू। देखो ये हमारा एक सीक्वेंस आ गया, इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। इसमें देखो हमारे नंबर जो है ना एक ऑर्डर में लिखे होते हैं, बात ध्यान रखना, नंबर को हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, ये नहीं कोई भी कहीं लिख दो, फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म फिर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये हमारा एक सीक्वेंस आ गया। अब देखो जो फंक्शन के आंसर आए वो यही है, तो जो आंसर आ रहे हैं वो देखो इस रियल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं, और इन आंसर को ही रेंज कहा जाता है। जैसे किसी भी फंक्शन में जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं उन फंक्शन की वैल्यूज को ही हम उस फंक्शन की रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेंज है देखो वो रियल नंबर के अंदर है, और यही होना चाहिए, फंक्शन का जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन के अंदर आता है हमेशा। यहाँ पर देखो यही हमारा रेंज हो गया फंक्शन का, ये कोडोमेन के अंदर आ जाएगा। जैसे ही मान लो अगर हम लोग ये एक फंक्शन ले लें माइनस वन की पावर n, अगर हम n को 1 लेंगे तो माइनस वन आएगा, n को 2 लेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, n को 3 लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा फिर 1। अब देखो यहाँ पर ये हमारा सीक्वेंस आया। अब देखो इसमें अगर हम रेंज को निकालें तो रेंज का मतलब केवल दो टर्म, माइनस वन और वन, ये तो सीक्वेंस है लेकिन इसमें केवल दो ही टर्म आ रहे हैं। रेंज का मतलब अलग अलग टर्म्स का सेट, तो यहाँ पर केवल दो ही टर्म आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो खैर सारे टर्म ही अलग अलग है, तो यहाँ पर रेंज भी वही है जो यहाँ दिख रही है हमको, हर टर्म अलग अलग ही आएगा, है ना। तो ये मतलब होता है सीक्वेंस का रियल नंबर में, रियल नंबर में सीक्वेंस का मतलब ये होता है। अब अगर हम अपने सेट को बदलेंगे तो फिर सीक्वेंस भी बदलेगा, बात समझे ना, अगर हम अपने सेट को बदलेंगे तो सीक्वेंस भी बदलेगा। लेकिन सभी में चाहे हम कोई भी सेट ले लें जो सीक्वेंस होता है वो एन से लेकर के, है ना, आर तक, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर जैसे रियल सीक्वेंस हो गई, अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगी, बस समझे ना। तो जैसा सेट वैसा ही उसका यहाँ पर सीक्वेंस। जैसे कि अब देखो हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पे एक सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे, है ना, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पे हम लोग एक सीक्वेंस को वहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो खैर ये सीक्वेंस का बेसिक मीनिंग होता है, इस बात को जरा आप समझिए, ये हमने उन्हें पढ़ा था पहले भी, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, और ये जो हम fn लिखते हैं ये सीक्वेंस का nth टर्म होता है, nth टर्म, इसी को हम tn भी कहते हैं। वो जो हम प्रोग्रेशन पढ़ा करते थे APGPHP, वो सब सीक्वेंसेस के स्पेशल केस हुआ करते थे। मैंने बताया भी था एक वीडियो में, अगर आप देखोगे जाके कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये क्लास 11 का मैंने एक वीडियो बनाया था IIT के लिए, उसमें मैंने बताया भी था कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में भी डिफरेंस होता है। अगर आप टाइप करोगे डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो अपने आप से, कोई टेंशन मत लेना, जाके जितना चाहो डिटेल से पढ़ सकते हो, जितना चाहो बेटा सीख सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत कुछ है, 11, 12 IIT लेवल से मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, लगभग 11 के एक दो टॉपिक बाकी हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं सर जल्दी करिए जल्दी करिए, एक्चुअली मैं जरा MSc लेवल पर आ गया हूँ, है ना, और यहाँ पढ़ाने का थोड़ा सा मूड बन गया है, मैंने कहा इसी को पढ़ा दिया जाए, मैं तो मूड पर चलता हूँ यार। मैंने कहा सबसे पहले टफ टफ टॉपिक पढ़ाएंगे, तो टोपोलॉजी टेंसर फंक्शनलिज़ इतने भी टफ टफ टॉपिक थे सब मैंने उठा लिए और उनको पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, मॉडल अलजेब्रा वेक्टर स्पेस, मैंने कहा चलो पढ़ाते हैं मस्त होके, ठीक है। तो बेटा यही है पढ़ाई का मोड, इसी को कहते हैं, ठीक है, और मन से पढ़ा रहा हूँ दिल से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है, चलिए फिर। तो बच्चों ये होता है सीक्वेंस। अब जरा देखिए हम आखिर एक टर्म होता है ना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
अगर हमने सीक्वेंस का nth टर्म an ले लिया, है ना, मान लीजिए an जो है जिसको हम fn कह रहे थे वही an है, a क्या है मान लीजिए nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, n टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, और मान लीजिए मैंने इसकी लिमिट को निकाला n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर और ये आंसर कुछ b आ गया, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस b पर कन्वर्ज कर रहा है, है ना, मतलब अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे हमारा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या था बोलो, a1 a2 से लेकर के an, ये हमारा सीक्वेंस था, तो हम कहेंगे दिस सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स थे, ठीक है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू v, कन्वर्जेस टू v, मतलब ये सीक्वेंस b पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि इसमें अगर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर n टर्म की लिमिट निकाल रहे हैं तो वो b के बराबर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, इसी चीज को लिखने का एक मैथमेटिकल वे होता है, एक इसकी डेफिनेशन होती है, जो हमने लिखा है ना आसान लैंग्वेज में, इसी को लिखने का एक और मैथमेटिकल वे होता है, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम n को बहुत आगे ले जाएंगे, n को इन्फिनिटी ले जाएंगे, तो जो हमारा टर्म है वो b पर चला जाएगा, मतलब अगर हम n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो जो सीक्वेंस का टर्म है ना वो b पर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब देखो इसी बात को लिखने का एक और भी तरीका होता है, देखो वो क्या, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ रियल एनालिसिस के वीडियो में भी, लेकिन यहाँ पर ये बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसके बिना हम चीज़ों को समझ नहीं सकते, क्योंकि हर जगह यहाँ पर कंप्लीटनेस जैसा टर्म आएगा। देखो बच्चों, इसकी एक डेफिनेशन होती है, देखो डी ई एफ शॉर्ट में लिखा है, डी ई एफ का मतलब इसकी डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन ये होती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा सच दैट, देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा सच दैट, है ना, सच दैट एन ग्रेटर देन एन नॉट इंप्लाइज मॉड ऑफ ए एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। देखो ये यहां पर इसी को लिखने का एक और तरीका होता है ना, देयर एग्जिस्ट एन नॉट, और एन नॉट कैसा है, पॉजिटिव है, है ना, एन नॉट कैसा है बोलो, पॉजिटिव है, ध्यान देना, ठीक है, एन नॉट कैसा है बोलो, यहां पर ध्यान देना, एन नॉट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस आई है ना, एन नॉट क्या है बोलो, प्लस आई है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहे हैं कि अगर हम एप्सिलॉन कुछ भी ले लें, तो एप्सिलॉन मतलब कुछ भी ले लें, बहुत स्मॉल लेते हैं जनरली, एप्सिलॉन जो है वो जीरो से बहुत थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल लेते हैं एप्सिलॉन को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नंबर एन नॉट, और एन नॉट कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, और सच दैट इफ, यानी कि whenever, मतलब जब भी कभी n n नॉट से बड़ा होगा तो ये मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब देखो मॉडुलस का मतलब क्या, अब देखो हमने a n और b के बीच का डिस्टेंस निकाला है, ये है ना, रियल नंबर में जो मॉडुलस है ना वो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बता देता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस की जरूरत पड़ गई, इसलिए जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमें डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस निकालने का वही काम नॉन लीनियर स्पेस में नॉर्म करता है, तभी हमने कहा था ना एज ए मीट्रिक, है ना, एज ए मीट्रिक मतलब वो जो नॉर्म फंक्शन है वो मीट्रिक की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, मीट्रिक की कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए वहां पर हम नॉर्म को डिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, उस बात का मतलब वही था, ठीक है। अच्छा, अब जरा बच्चों यहां पर ध्यान दो, मतलब ये और ये सेम बातें हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल, देखो ये क्या कह रहा है, देखो इसको जरा हम जाए यहाँ पर ध्यान दें, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि ए एन माइनस बी जो है ये माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक होता है, क्या होता है, अगर मॉड एक्स लेस देन के है कभी भी तो एक्स की वैल्यू माइनस के और के के बीच में होती है, के अगर पॉजिटिव है तो है ना, मॉड एक्स लेस देन के अगर है तो एक्स की वैल्यू माइनस के और के बीच में होती है, ठीक है। देखो यहां से जो हमारा ए एन है ये क्या हो जाएगा, बी धन ले आए तो b माइनस एप्सिलॉन से देखो ये हो जाएगा b प्लस एप्सिलॉन, ये हमारा an हो गया, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पर ये है कि एप्सिलॉन जो है ना वो बहुत छोटा नंबर है, है ना, इसका मतलब जो an है वो इसके, जैसे कि मान लो यहाँ पर कहीं हमारा b है, b तो b प्लस एप्सिलॉन इसके बहुत करीब हुआ,
और बी माइनस एस एन बहुत करीब हुआ इसके, मतलब जो हमारा ए एन है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब बी के बहुत करीब होगा। कब? जब एन एन नॉट से बड़ा हो जाएगा तब। मतलब एक ऐसा टर्म एन नॉट मिलेगा कि जैसे ही अपने आप टर्म को एन नॉट के आगे ले जाएंगे, एक ऐसा टर्म एन नॉट मिलेगा कि जैसे ही आप अपने टर्म को एन नॉट के आगे ले जाएंगे, जैसे आप एन नॉट से आगे वाले टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, है ना, तो वो सारे के सारे टर्म जो हैं वो इस लिमिट के बीच में आएंगे, मतलब वो सारे टर्म बी के आसपास आएंगे। जैसे ही आप एन, एन का मतलब वही टर्म की वैल्यू ए वन ए टू ए थ्री, एन की वैल्यू क्या हुई 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो गई। जैसे ही आप एन को एक डेफिनेट टर्म एन नॉट के आगे ले जाएंगे तो जितने भी आपके जो ए एन है, जितने भी टर्म बचेंगे, मतलब एन नॉट से बड़े जितने भी टर्म आपके होंगे, वो सारे के सारे टर्म इन दोनों लिमिट के बीच में आ जाएंगे, मतलब सारे टर्म वो बी के आसपास आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि वो टर्म बी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, यही मतलब हुआ ना। तो ये मतलब होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, है ना। इस अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो सीक्वेंस बी पर कन्वर्ज कर रही है, बी पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रही है। कहां पर कन्वर्ज कर रही है? बी पॉइंट पर, ठीक है ना। इसको जरा नोट करो बच्चों ध्यान से। पहले ठीक है बच्चों, लिखा बेटा चो। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो बच्चों, अब जरा हम समझें आखिर ये कॉची सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है भाई, कॉची, चाची नहीं कहना, कॉची कहना, ठीक है। मन करता है चाची बोल दें, चाची सीक्वेंस है। अरे भाई चाची सीक्वेंस नहीं बेटा, ये कॉची सीक्वेंस है। देखो कॉची ने क्या किया, कॉची ने कहा कि भैया तुम्हें कभी, जैसे कि हमने देखा कि भाई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिट पे जाना पड़ेगा, है ना। तो कॉची ने कहा अरे यार इन्फिनिट का लफड़ा तो इन्फिनिट ही होता है, इन्फिनिट के चक्कर में कौन पड़ेगा, बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, बहुत टेंशन है। तो उसने कहा इन्फिनिट से बचा जाए, तो उसने एक और तरीका बताया। उसने कहा देखो ऐसा है, समझो ध्यान से क्या उसने कहा। उसने कॉची सीक्वेंस क्या होती है, देखो ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इज कॉची, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉची इफ एंड ओनली आई डबल एफ, आई डबल एफ का मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, फॉर एवरी एप्साइलन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन डॉट सच दैट वेन एवर एम आर एंड ग्रेटर देन एन नॉट, वेन एवर एम आर एंड ग्रेटर देन एन नॉट, है ना, ये क्या है सच दैट, ठीक है, वेन एवर एम एन एंड ग्रेटर देन एन नॉट इंप्लाइज ए एम माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन। इसने कहा कि आप एप्सिलॉन को कुछ भी ले लें, एप्सिलॉन का मतलब ये क्वांटिटी, चाहे आप कितनी भी छोटी ले लें, मतलब यही होता है, वो लिखते नहीं है, चाहे कितनी भी छोटी ले लें लेकिन मतलब यही होता है कि एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है। आप इस क्वांटिटी को चाहे कितना छोटा ले लें, एक नंबर एन नॉट ऐसा मिलेगा और ये वही पॉजिटिव इंटीजर होगा, ध्यान रखना, जो हमारा एन नॉट है कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये एन नॉट कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक इंटीजर एन नॉट ऐसा मिलेगा कि जब भी आप एम एन को एन नॉट से आगे निकालोगे, एम एन क्या है, चलिए दो टर्म हैं, तो उन दोनों टर्म का डिफरेंस बहुत लेस होगा, मतलब ये दोनों टर्म बहुत आसपास होंगे, मतलब
एक नंबर एन नॉट ऐसा आपको मिलेगा, एक नंबर एन नॉट आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे ही आप इसके आगे कोई भी दो टर्म लोगे, उन दोनों टर्म की जो वैल्यू होगी ए एम और ए एन, ये वैल्यू बहुत करीब होगी। मतलब इनका जो ए एम और ए एन का जो डिफरेंस है ये बहुत लेस होगा, है ना। एन नॉट के आगे जाएंगे तो एक नंबर एन नॉट ऐसा मिलेगा कि उसके आगे हम कोई भी दो टर्म ले लेंगे, वो दो टर्म बहुत करीब होंगे। ये इसने कहा कि अगर ऐसा है, अगर सीक्वेंस में ऐसा है तो ऐसी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कह सकते हैं। अब ये डेफिनेशन उसने रियल नंबर के लिए दी थी, लेकिन यही हर जगह फॉलो होती है। बस हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मॉडुलस है, रियल नंबर में डिस्टेंस के लिए मॉडुलस यूज किया गया, नॉर्म है तो वहां पर डिस्टेंस के लिए नॉर्म का यूज कर लेंगे, है ना। तो भाई अगर डिस्टेंस निकालना हमें आता है तो हम कॉची सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्पेस हो, और हमको नॉर्म में इस डिस्टेंस निकालना आता है, क्योंकि जो नॉर्म होता है ये खुद ही दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही एक्चुअली बता रहा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना कि दो नंबर हमें एम और एन ऐसे मिलेंगे जो कि एन नॉट से बड़े होंगे और उनका डिफरेंस जो है बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो कंप्लीटनेस एक टर्म है, वो कंप्लीटनेस टर्म क्या होता है। देखो कंप्लीटनेस किसे कहते हैं, मतलब कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीटनेस क्या होता है, इस बात को जरा समझिए कि भाई कंप्लीट क्या होता है। देखो कंप्लीट में कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास ए कोई सेट है और मेरे पास कोई भी कॉची सीक्वेंस है इस सेट में, है ना। ठीक है, इफ मान लीजिए मेरे पास कोई कॉची सीक्वेंस है, मान लीजिए मेरे पास ये जो ए एन है ये कॉची सीक्वेंस है ना, बी एक कॉची सीक्वेंस। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई ए एन सीक्वेंस ही कॉची सीक्वेंस है, मतलब ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा होगा। ठीक है, मान लो ये कॉची सीक्वेंस है तो कहते हैं कि ए को कंप्लीट कहा जाएगा अगर ये कॉची सीक्वेंस है ना, ए इज कॉल्ड कंप्लीट if and only if every Cauchy sequence ठीक है converges to a point in A। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी Cauchy sequence ले लो आप, वो Cauchy sequence एक point पर converge करनी चाहिए, मतलब convergent होनी चाहिए, और वो पॉइंट उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ये बात ध्यान दो, है ना। मतलब कह रहे हैं कि जो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करे, कन्वर्ज का मतलब वही कि जैसे मान लो मैंने बताया था ये ए एन है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बराबर बी, जैसे कि हम कहते हैं कि ए एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जो बी पॉइंट है जहां पर ए एन कन्वर्ज कर रहा है वो बी पॉइंट उस सेट के अंदर ही आना चाहिए, है ना। और ऐसा किसे करना चाहिए, कॉची सीक्वेंस को ऐसा करना चाहिए। मतलब जो कॉची सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करे और वो पॉइंट भी उस सेट के अंदर ही आना चाहिए, तो ऐसे सेट को हम, ऐसे स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस कहते हैं। क्या कंडीशन है कि ए इज कॉल्ड कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए पॉइंट इन ए। मतलब जो कन्वर्ज जिस पॉइंट पर हो रही है, जैसे हम जब लिमिट निकालते हैं तो कहते हैं ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट जो है ना वो उसी सेट में होना चाहिए, तो फिर ऐसे को हम, ऐसे स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस कहते हैं। तो ध्यान रखना ये कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है जो कि बहुत जगह हमारे काम आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत जगह हमारे काम आती है। अब देखो जैसे जो सीक्वेंस है ना, ये सेट ए में सीक्वेंस है, तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनका आंसर सेट ए के अंदर आना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो हम रियल नंबर की सीक्वेंस कहते हैं तो हर सीक्वेंस का आंसर रियल आता है, उसका जो हर एक एलिमेंट है वो रियल होता है, है ना। कोई भी सीक्वेंस आप रियल कह रहे हो तो हर एक एलिमेंट रियल होता है। ऐसे ही मान लो सेट ए पर हम सीक्वेंस ले रहे हैं तो सीक्वेंस के हर एलिमेंट का आंसर सेट ए के अंदर ही आना चाहिए, तभी उसे हम सेट ए पर सीक्वेंस बोलेंगे। बात समझे ना, जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट A1, A2, A3, जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब उस सेट के अंदर से ही आने चाहिए, तभी उसको आप सीक्वेंस ऑन ए कहोगे। ये बात ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, और वो सीक्वेंस
कॉची अगर है तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, मतलब कॉची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगी, कॉची सीक्वेंस ध्यान रखना, ए को कंप्लीट कभी कहेंगे जब कॉची सीक्वेंस एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, वो पॉइंट भी उस सेट के अंदर ही होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। कॉची सीक्वेंस क्या होती है? ए एम माइनस ए एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? मॉड ऑफ ए एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन होता है। मैंने बताया अभी आपको, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में अपने बैठा लो क्योंकि इनका हर दिन यूज होना है। और बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से करें कहाँ से करें, बेटा यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नॉलेज होनी चाहिए, आप उनके आंसर याद नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, ये बात ध्यान दीजिए। चलिए अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा। आप देखो जरा ध्यान दो कुछ और बातें, जैसे जो हमारा इंटीजर्स का सेट होता है ना z, वो कंप्लीट होता है, इस बात को ध्यान रखो। इंटीजर्स का जो सेट होता है वो कंप्लीट होता है, देखो कंप्लीट, इस बात को ध्यान दो। क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो कंप्लीट होता है। मतलब इंटीजर्स में आप कोई भी कॉची कोई भी सीक्वेंस लोगे और अगर वो सीक्वेंस कॉची है तो हमेशा कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज भी इंटीजर के ही किसी पॉइंट पर करेगी, है ना। मतलब इंटीजर्स के सेट को कंप्लीट क्यों कहा गया? क्योंकि इंटीजर्स के सेट पर आप कोई भी कॉची सीक्वेंस लेंगे, वो कॉची सीक्वेंस ऐसे पॉइंट पर कन्वर्ज होगी जो पॉइंट खुद भी इंटीजर होगा। यही मतलब था ना कि उसी सेट के पॉइंट पर कन्वर्ज करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना बच्चों कि रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये कंप्लीट नहीं होता, इज नॉट कंप्लीट। नॉट कंप्लीट का मतलब देखो ये हुआ कि इसमें जरूरी नहीं है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट ही हो, हर एक कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बात ध्यान रखना, इन बातों को दिमाग में रखो बेटा। अच्छा, रियल नंबर का सेट जो है वो भी कंप्लीट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बात ध्यान रखना, रियल नंबर्स का जो सेट होता है R, वो कंप्लीट होता है। मतलब आप रियल नंबर में कोई भी कॉची सीक्वेंस लेंगे वो एक ऐसे पॉइंट पर कन्वर्ज होगी जो खुद भी रियल होगा, है ना। रियल नंबर कंप्लीट क्यों है? क्योंकि रियल नंबर में हर एक जो कॉची सीक्वेंस है, हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होती है, हर एक कॉची सीक्वेंस सॉरी कन्वर्ज करती है, हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। मतलब हर एक कॉची सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है वो पॉइंट भी रियल नंबर में से ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है, ठीक है, वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कुछ बातें हैं इनको दिमाग में बैठाओ हमेशा। रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं होता, इंटीजर कंप्लीट है, रियल नंबर कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है। फिर बाकी और बताएंगे जरूरत पड़ने पर, है ना, बाकी जरूरत पड़ने पर और भी चीज़ें बताएंगे। अभी आप इतना ही समझो, ये मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे तो, रियल एनालिसिस में सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, कॉची क्या होती, कन्वर्जन क्या होती, फिर मैंने शॉर्ट में रिवाइज कराया क्योंकि इसके बिना आगे बेटा यहाँ बढ़ नहीं सकते हैं, बहुत मजबूरी है। खैर कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि भाई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? रियल नंबर में। उसी प्रकार से नॉन्ड स्पेस में सीक्वेंस कन्वर्ज क्या कब होगी उसको भी जरा समझ लें। भाई हमने पहले रियल नंबर में समझा, अब उन्हीं चीजों को हम नॉन्ड स्पेस में ट्रांसफर करेंगे। देखो ध्यान दो, कैसे मैंने बताया आपको कि भाई रियल में क्या होता है, देखो रियल में क्या मैंने बताया था कि लिमिट ए एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी है, तो हम कहते हैं कि भाई ए एन बी पर कन्वर्ज करेगा। इसी की इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये होती है कि फॉर ऑल एप्साइलन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन नॉट सच दैट Whenever n greater than n naught, we have mod of a n minus b less than epsilon. ये मैंने बताया था real number में convergent की definition होती है, ऐसे कहें या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये real number में convergent की बेटा definition होती है। अब देखो
अगर हम नॉर्म्ड स्पेस ले लें, देखो नॉर्म्ड स्पेस को ऐसे लिखते हैं, तो नॉर्म्ड स्पेस ले लें, देखो उसमें भी अगर मान लो मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, नॉर्म्ड स्पेस में मान लो मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, और मान लीजिए ये जो सीक्वेंस है ये किसी पॉइंट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर इसका आंसर एक्स नॉट आता है, इसका मतलब ये सीक्वेंस एक्स नॉट पर कन्वर्ज हो रही है ना। अब हमने सीक्वेंस किस पर ली है, नॉर्म्ड स्पेस पर ली है। अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर हम यहां पर निकालेंगे तो बिल्कुल इसी मेथड से, बस मॉडुलस की जगह यहां पर नॉर्म लेना होगा, तो क्या होगा देखो, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव या फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, एक ही बात है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव कहें या फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव कहें या गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव कहें, सेम बातें हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट whenever n greater than n naught, such that whenever n greater than n naught, we have mod of xn minus x naught, mod की जगह norm आ जाएगा, less than epsilon। तो देखो जैसे कि definition यहाँ पर थी वही definition यहाँ पर है convergent की। ये क्या है, ये है convergent sequence की definition, है ना। ये क्या है बोलो, convergent sequence की definition है normed space में। कई बार यहाँ पर n greater equal to n naught भी लगा देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, खैर कई लोग लगाते हैं कई लोग नहीं लगाते, दोनों ही बातें सही हैं, आप लगा सकते हो, n greater than n naught लगा दो या greater equal to लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बेटा डेफिनेशन होती है नॉर्म्ड में। अच्छा अब देखो कॉची की डेफिनेशन क्या होगी नॉर्म्ड स्पेस में, है ना, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, ठीक है, क्या होगी नॉर्म्ड स्पेस में, ठीक है, इन नॉर्म्ड स्पेस, इन नॉर्म्ड स्पेस, नॉर्म्ड स्पेस का मतलब यही अपना दो सिंबल के साथ में नॉर्म्ड स्पेस बन जाता है, ठीक है। देखो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी नॉर्म्ड स्पेस में, देखो मान लीजिए ये मेरे पास एक सीक्वेंस है xn, और इसको हम कॉची सीक्वेंस कहेंगे, इज कॉल्ड, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे इसमें पढ़ा था हमने, is called Cauchy sequence, is called Cauchy sequence if and only if for all epsilon positive there exist positive integer n naught such that whenever n greater than n naught यहाँ पर दो होते हैं m और n दो होते हैं, m और n greater than n naught, we have norm of xm minus xn less than epsilon। देखो वहां पर mod था, जब हमने real number में Cauchy sequence को पढ़ा था तो वहां पर mod था, क्योंकि वहां पर mod ही दो point के बीच की distance को निकालता था, है ना। यहां पर क्या है, norm है, क्योंकि norm space में norm ही दो point के बीच की distance को निकालता है ना, मतलब m और n जो है वो यहाँ पर n नॉट से बड़े या कई बार ग्रेटर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ऐसा होता है। तो मतलब वही हुआ कि दोनों टर्म बहुत करीब होने चाहिए, अगर हम एक डेफिनेट पॉइंट के आगे जाएंगे तो दोनों टर्म जो है वो काफी करीब होंगे, तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई नॉर्म्ड स्पेस में, ये बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने रियल नंबर में पढ़ा था। तो इससे दो फायदे होते हैं बेटा, रियल नंबर के भी मतलब रियल एनालिसिस के भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और नॉर्म के तो खैर क्लियर हो ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं पालना कभी बेटा, मस्त होके पढ़ना, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो बच्चों, अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं कि भाई नॉर्म्ड स्पेस कंप्लीट कब होगा। तो देखो नॉर्म्ड स्पेस कंप्लीट तब होगा जब हर एक कॉची सीक्वेंस n में कन्वर्ज करेगी, मतलब अगर हम कॉची सीक्वेंस ले लें, जैसे कि हमें नॉर्म्ड स्पेस को कंप्लीट शो करना है, तो क्या मेथड हो गया कि आप नॉर्म्ड स्पेस में कोई एक कॉची सीक्वेंस लीजिए, पहले एक सीक्वेंस लीजिए, है ना, पहले क्या करना होगा आपको एक सीक्वेंस देना होगा, ये शो करना होगा ये सीक्वेंस कॉची है, और जब ये कॉची है फिर ये शो करना होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, मतलब इस डेफिनेशन को भी फॉलो कर रही है ना। तो अगर हम नॉर्म्ड स्पेस को ब्लैंक स्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो बताया मैंने कंप्लीटनेस शो करना होता है, नॉर्म्ड स्पेस को अगर हम ब्लैंक स्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कंप्लीटनेस प्रूव करना होता है। तो कंप्लीटनेस के लिए क्या करना होगा, आप एक सीक्वेंस पकड़िए, पहले शो करिए कि वो कॉची है,
इस कंडीशन को पूरी कर रही है, और जब वो कॉची है इस कंडीशन को पूरा कर रहा है तो वो कन्वर्जेंट है, मतलब इस कंडीशन को ही पूरा कर रहा है। क्योंकि अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तभी उसको कंप्लीट कहते हैं, ये बात दिमाग में ढालो बेटा। तो ब्लैंक स्पेस कंप्लीट कब होगा? जब कोई भी कॉची सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए। प्रोसेस क्या होगा? पहले एक सीक्वेंस को पकड़ो, ये शो करो कि भाई वो कॉची है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस पकड़ लें, वो कॉची होना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि कॉची की अपनी कंडीशन है। अब एक सीक्वेंस पकड़ो और ये देखो कि वो सीक्वेंस कॉची है, और अगर वो कॉची है तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर इतना हमने कर लिया तो हम कह पाएंगे कि हमारा नॉर्म्ड स्पेस जो है वो कंप्लीट है, बात समझे। तो नॉर्म्ड स्पेस कंप्लीट होने के लिए क्या प्रूव करना होगा? कि हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। किसमें? नॉर्म्ड स्पेस में, मतलब जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट भी नॉर्म्ड स्पेस में ही आना चाहिए। मतलब जो बी का आंसर है वो बी पॉइंट भी उसी नॉर्म्ड स्पेस में आना चाहिए, है ना भाई। कन्वर्ज करे उसी सेट में, मतलब जो इन्फिनिटी लिमिट का आंसर है, या ऐसा कहो यहां से जो बी मिले वो उसी सेट में जाना चाहिए, तब हम कहेंगे ना कन्वर्ज कर रही है उसी सेट में, बस हमने तब वो कंप्लीट होगी कि उसी सेट में कन्वर्ज करे। मतलब जो बी का आंसर आए, जो बी की वैल्यू आए वो उसी सेट के अंदर आए, ठीक है ना। किसके लिए? कॉची सीक्वेंस के लिए। मतलब पहले शो करो कि सीक्वेंस कॉची है, फिर शो करो कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट भी एन के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम शो कर पाएंगे कि भाई ये ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है बच्चों। तो ब्लैंक स्पेस की क्या क्या बातें हैं? स्पेस को लीनियर स्पेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? नॉर्म्ड उस पर डिफाइन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या? वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कॉची सीक्वेंस उसी सेट के पॉइंट पर कन्वर्ज करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों ने ब्लैंक स्पेस की डेफिनेशन को पढ़ा। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। अगर डेफिनेशन एग्जाम में आपके आएगी तो क्या क्या करना होगा? आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेंगी, फिर आपको नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, फिर आपको कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछे कि ब्लैंक स्पेस को डिफाइन करो तो आप क्या कहोगे? पहले डेफिनेशन लिखोगे कि भाई नॉर्म लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट है तो ब्लैंक होगा, है ना। एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे कि भाई वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, इसकी कंडीशन लिख दो। फिर कहोगे नॉर्म डिफाइन होना चाहिए, नॉर्म की कंडीशन लिख दो। फिर डिफाइन करोगे कि भाई कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन ए पॉइंट इन द सेम सेट। वो लिखने के बाद ये बता दो कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है, और ये बता दोगी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आप अब समझ गए होंगे कि आखिर ब्लैंक स्पेस क्या होता है। तो बेटा अगले वीडियो में हम लोग ब्लैंक स्पेस के कुछ बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त टाइप के एग्जांपल करेंगे, तो उससे बाद दिमाग में और बैठ जाएगी। तो टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, समझ के होगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय।